हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हम लोग का है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। तो आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए मैं आपको बताने वाला हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि आपके एग्जाम्स के लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए और इसमें मैं जो भी आपको चीज़ बताऊँगा वो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो होता है वो मनाया कब जाता है। तो हम लोग का जो आज का डेट है यानी कि 21 जून को ये आपका प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। ठीक है, 21 जून को हम लोग प्रत्येक वर्ष आपका अंतर्राष्ट्रीय जून के दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए बात करते हैं कि इसका जो प्रस्ताव रखा था ये किसने रखा था, क्योंकि आपके एग्जाम्स में ये ज़्यादा पूछा जा सकता है कि देखिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जो प्रस्ताव रखा गया था वो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रखा गया था। ठीक है फ्रेंड्स, ये इन्होंने इस प्रस्ताव को कब रखा था, तो ये अपना जो प्रस्ताव था इनका 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र सभा के समकक्ष में इन्होंने रखा था। ठीक है, तो आगे बात करते हैं कि जब इन्होंने इस प्रस्ताव को रखा तो क्या हुआ था कि 90 दिन के अंदर ही उनकी बात को मान ली गई थी और जो संयुक्त राष्ट्र सभा है उन्होंने क्या किया कि इसकी जो घोषणा की थी 2014 में, यानी कि वर्ष 2014 में कब घोषणा की, तो ये 11 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र के आम सभा के द्वारा प्रत्येक वर्ष 21 जून को पूरे विश्व भर में योग दिवस मनाने के लिए घोषित कर दिया गया था। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ये घोषित कब हुआ था, 2014 से ही लागू किया गया है, लेकिन फर्स्ट बार इसको सेलिब्रेट कब किया गया था तो मैंने यहाँ पर आपको छोटा सा एक नोट दिया है ताकि आपको पता चले कि कब कब इसका आयोजन किया गया। देखिए भारत में योग दिवस का आयोजन आपका सबसे पहले कब हुआ था, तो फर्स्ट टाइम यहाँ पर मैंने लिखा 21 जून 2015 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, तो ये नई दिल्ली में सबसे पहले आयोजन किया गया था। ठीक है, सेकंड नंबर में बात करें कि सेकंड टाइम कहाँ पर हुआ था, तो सेकंड टाइम आपका जो 21 जून 2016 को चंडीगढ़ में हुआ था। अब आप बात करते हैं थर्ड, जो कि थर्ड से हमारे एग्जाम्स में पूछे जाने की संभावनाएं सबसे ज़्यादा हो सकती है। ठीक है फिर, तो देखिए थर्ड में जो आपका हुआ था ये 21 जून 2017 को कहाँ पर हुआ था, तो लखनऊ में हुआ था। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं 17 का जो हम लोग की थीम क्या थी, क्योंकि एग्जाम्स में अगर थीम पूछा जाएगा तो इससे ज़्यादा पीछे का नहीं पूछा जाएगा, 17, 18 या फिर 19 का ही पूछा जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर थीम जो है 17 से आपके सामने रखा है। तो देखिए फ्रेंड्स, 21 जून 2017 को जो लखनऊ में मनाया गया था हमारा योग दिवस, तो इसका जो थीम था योगा फॉर हेल्थ, यानी कि स्वास्थ्य के लिए योग जो था इसका थीम रखा गया था। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग बात करें जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम्स के लिए, यहाँ से अगर क्वेश्चन बनेंगे तो ये डेफिनेटली यहाँ से या फिर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या फिर सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि आपके योगा दिवस मनाया कब जाता है, तो ये 21 जून को मनाया जाता है। ठीक है, प्रत्येक वर्ष, और पूछा जा सकता है कि 2019 हुआ उसमें कहाँ पर मनाया गया, तो यहाँ पर हमारा रांची में जो मनाया गया। ठीक है, और यहाँ पर अगर पूछा जा सकता है कि 2018 की थीम क्या थी या फिर 2019 की थीम क्या थी, इस तरह से पूछा जा सकता है। तो फोर्थ नंबर की बात करें तो फोर्थ टाइम जो मनाया गया था वो 21 जून 2018 को मनाया गया था देहरादून में। ठीक है फ्रेंड्स, और उस समय इसकी थीम क्या रखी गई थी, तो योगा फॉर पीस, जो कि ये आपके 2018 के जितने भी एग्जाम्स हुए उसमें बहुत बार पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं फिफ्थ टाइम्स जो अभी हाल ही में 2019 में आज, यानी कि आज का जो डेट है हमारा 21 जून 2019 ये आपका कहाँ पर मनाया गया, तो ये हमारे रांची में मनाया गया। ठीक है, रांची जो है झारखंड की राजधानी है, यहाँ पर मनाया गया। इसकी थीम की बात करें तो इसका थीम क्या है, तो इसका जो थीम है पर्यावरण के लिए योग। ठीक है, योगा फॉर क्लाइमेट एक्शन, ये आपका थीम रहेगा, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। और यहाँ पर मैंने एक छोटा सा नोट्स आपके लिए जो रखा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि जो भारत में अंतर्राष्ट्रीय योग का जो उत्सव मनाया जाता है वो किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, तो ये आपका आयुष मंत्रालय के अधीन आता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अब लोग बात करते हैं थोड़ा सा प्राचीन में, जैसे कि किस वेद में योग के बारे में लिखा गया, तो वेद योग के बारे में आपके ऋग्वेद में वर्णन मिलता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से एक और क्वेश्चन आपको मिल जाती है कि योग के पिता के रूप में किसे जाना जाता है, या फिर योग के जनक के रूप में हम लोग कह सकते हैं किसे जाना जाता है, तो जो हमारे भगवान शिव थे उनको ही माना जाता है। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें जो कि आपको इंपॉर्टेंट थी जाननी थी, और यहाँ से आपको सिर्फ और सिर्फ आपके एग्जाम से रिलेटेड ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस मंत्रालय के अधीन आता है, तो ये आपके आयुष मंत्रालय के अधीन आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में बस इतना ही जानकारी देनी थी। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके हमारे साथ, ठीक है, तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।